हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव है हमारा लिंग और वचन। टेस्ट स्किल में पढ़ेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन और बहुवचन शब्द। पहला, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लिंग। जैसे लड़का लड़की हो गया, तो लड़का आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, और लड़की आपकी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। चलिए, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, और वो दोनों भेद क्या हैं? तो पहला है आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर सही शब्द लिखिए। दीपक के पुत्र का नाम बताओ। तो पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा पुत्री। क्या होगा? पुत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा। अगर यहाँ पे लिखा होता है बेटा, तब यहाँ पे होता बेटी। ठीक है, फोन नंबर यहाँ पे देखिए, गाय है। गाय क्या है? गाय स्त्रीलिंग है, ये लेडीज़ में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। और ये क्या है? गाय। तो गा पराग मात्र गा, और या क्या होता है? गाय। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच, दुल्हन का पुल्लिंग क्या होगा? तो दुल्हन मतलब लड़की होती है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? दूल्हा। दूल्हा, इसका आंसर हो जाएगा गा। जिन शब्दों से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गा। छात्र का स्त्रीलिंग शब्द है, तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। क्या होगा? छात्रा। धोबी और धोबिन कपड़े धो रहे हैं, तो इसमें पुल्लिंग क्या है? तो पुल्लिंग आपका है यहाँ पे धोबी, ये आपका पुल्लिंग में आएगा, और धोबिन आपका क्या आएगा? स्त्रीलिंग में। चलिए, तो यहाँ पे पुल्लिंग कौन सा है? धोबी। तो ऑप्शन हो जाएगा का। नाइन नंबर, मामा ने बबली के लिए मिठाई ली। तो मामा का लिंग अगर हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मामी। तो मामी क्या है? स्त्रीलिंग। दस नंबर, पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। ऑप्शन नंबर ग। ग्यारह नंबर, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वचन। तो जैसे दो तरीके के, तो एक वचन, एक वचन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक वस्तु की बात हो। और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा बहुवचन, तो एक से ज़्यादा की बात हो, यानी एक वचन में सिर्फ एक, और यहाँ पे एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात होती है, एक से ज़्यादा। अगला बारह नंबर सवाल, वचन के कितने भेद हो? तो वचन के आपको जानते हैं दो भेद होते हैं, कौन से? एक वचन, बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत बात छोड़िए, संख्या में एक होने का बोध करवाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो एक का बोध करवाता है उसे हम कहते हैं एक वचन, और जो आपका एक से ज़्यादा का बोध कराता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। फोर्टीन नंबर क्या है? चौदह नंबर, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये कैसा है? तो बंदर एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक वचन। एक वचन शब्द पहचानिए, तो एक वचन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माला। माला मतलब एक, कलियाँ मतलब बहुत सारी कलियाँ, उंगलियों मतलब बहुत सारी कलियाँ, मुर्गियाँ मतलब भी बहुत सारी, मतलब कि बहुवचन में ये तीनों आपके आएंगे। कहाँ पे आएंगे? बहुवचन में। बहुवचन में। अगला, रिक्त स्थान पे सही शब्द, वे खा रहे हैं, तो वे क्या खा रहे हैं? तो वो केले खा रहे हैं, क्योंकि वे हैं, वे यहाँ पे बहुवचन है, तो उसके साथ ये होगा केले। संख्या से एक से अधिक होने का बोध करवाने वाले शब्द, तो एक से अधिक का जो बोध करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन शब्द पहचानिए, बहुवचन शब्द यहाँ पे क्या है? तो ये है आपकी नदियाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गा। चित्र देखकर वचन बचाइए, तो ये क्या है? आपका बैग है, तो बैग एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक वचन गा। सादर तथा सम्मान देने के लिए हम कौन सा वचन प्रयोग करते हैं? तो सादर और सम्मान देने के लिए हम आपका बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे आइए, आइए तो आइए, बैठिए, खाइए, तो ये सब किस में आएगा? बहुवचन में। 21 नंबर, तालिका देखिए, कौन सा सही नहीं है? तो ये बुढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, ये चूहिया है, ये भी ठीक है, ये राजा है, तो नहीं, ये राजा तो नहीं लग रहा है, ये क्या लग रहा है? रानी, तो जाएगा रानी। ठीक है, तो यही यहाँ पे गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यह हथिनी है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब इसमें आप पहचान भी नहीं सकते कि हाथी है कि हथनी है, और ये चूहा कि चूहे, तो ये होगा, लेकिन ये देखिए राजा, ये लड़की है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर, इसमें से कौन सा? हंस का हंसा, शिक्षक का शिक्षिका लिखा है यहाँ पे,
ये भी गलत है, और शिक्षक का शिक्षिका होता है ये भी गलत है, चिड़ा का चिड़ी ये भी यहाँ पे गलत है, और नाना का क्या होता है नानी, यही आपका यहाँ पे सही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, तो ये आपका सही है नाना का नानी ऑप्शन नंबर घ। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे, बच्चे यहाँ पे क्या हैं बहुवचन में है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो एक से ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा बहुवचन। इसके बाद एक वचन, देखिए ये एक वचन है ये बहुवचन है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी एक है यहाँ दो है बहुवचन, ये भी ठीक है, पत्ते पत्तियाँ ये भी बहुवचन ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक होना चाहिए था और यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये गलत है, तो इसमें कौन सा सही है आ बा और सा, तो इसका आंसर हो जाएगा घा। और आज का लास्ट सवाल, रात का क्या होगा रातें दो नंबर, जूता का जूते एक नंबर, कन्या का कन्याएँ चार नंबर, आँख का आँखें तीन नंबर, तो कितना हो जाएगा 2143। यहाँ पे फोर यहाँ पे थ्री, 2143 ऑप्शन नंबर का। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, वीडियो को कैसा लगा कमेंट लिख के जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो ये है मेरा QR कोड, आप अगर पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।